सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं ए डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेड बोर्ड के बारे में बताऊंगा और वो ब्रेड बोर्ड के ऊपर हम कैसे जो है टेम्प्रेरी सर्किट्स बना सकते हैं और वो ब्रेड बोर्ड खुद कैसे काम करता है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है ब्रेड बोर्ड क्या होता है। सो गाइस, ब्रेड बोर्ड जो है एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम जो है टेम्प्रेरी कनेक्शंस कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए भी हम कर सकते हैं कि जो है हमारा प्रोजेक्ट या जो भी चीज़ हम उसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं वो वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रेड बोर्ड है वो वर्क कैसे करता है। सो गाइस, स्क्रीन पर जो है आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर जो है ब्रेड बोर्ड बना हुआ होगा और उसके अंदर के जो कनेक्शंस होते हैं वो भी आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर जो होती है वो जो पॉजिटिव होती है उसके ऊपर आपको डॉट डॉट नज़र आते हैं। 4-5 होल्स होते हैं, उसके गैप में 5 होल्स होते हैं। उसी तरह ये पूरा कंटिन्यू है और ये जो है अंदर से पूरा एक रॉड जाती होती है आयरन की जो कि कनेक्टेड होती है उस, और इसके ऊपर बस एक होल होता है जिससे कि हमारा जो है करंट वो पास होता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि जो है 5-5 जो है रोज है, सॉरी कॉलम्स है, 5-5 कॉलम्स है और हर कॉलम के बीच में गैप भी है और ये जो कॉलम है वो बिल्कुल सीधे सीधे जो है वो एक एक रॉड लगी हुई, यानी कि ये सब कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये जो सिंगल सिंगल लाइन है वो ही कनेक्टेड है। उसके नीचे भी जो है वो ऊपर मैंने जो कहा वो ही सेम नीचे है। सो गाइस, अभी आपने ये देख तो लिया है, समझ भी लिया है कि ब्रेड बोर्ड वर्क कैसे करते हैं। अभी मैं आपको जो है मेरे पास ब्रेड बोर्ड है, स्मॉल ब्रेड बोर्ड अवेलेबल है, सो मैं आपको वो बताता हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये है एक स्मॉल ब्रेड बोर्ड जो कि मैंने ऑफलाइन बाय किया है 130 रुपीज़ में। आप इसे जो है ऑनलाइन भी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा था कि यहाँ पे रॉड होती है अंदर, आपको मैं बिल्कुल जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंदर रॉड जा रही है, एक सिंगल रॉड है। अलग अलग होगी तो आपको कनेक्शन करने में बहुत ही मुश्किल आएगी। तो गाइस, यहाँ पे भी सेम चीज़ें देख सकते हैं मैं आपको, ये रही सिंगल सिंगल रॉड लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस होल के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है और इस होल के अंदर हम जो है उसके ऊपर कनेक्शंस करते हैं। इसके पीछे आती है एक टेप आती है जिसको हम निकाल के इसको ये पेस भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपने ब्रेड बोर्ड के बारे में तो थोड़ा जान लिया है, अभी मैं आपको जो है बताता हूँ कि उसके ऊपर कनेक्शंस जो है वो किस तरीके से किए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। अभी मैं आपको जो है वो कनेक्शंस करके दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है ब्रेड बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक प्लस बना हुआ है और एक माइनस बना हुआ है। आपको इतना तो पता ही होगा कि प्लस यानी पॉजिटिव, माइनस यानी कि नेगेटिव। सो ये हमारे पास बैटरी का जो है प्लस है, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे इसके होल के अंदर देख सकते हैं, आप आराम सही से इसको सबसे पहले ऐसे कर लें और इसके होल के अंदर जो है बिल्कुल आपको सही से फिट कर देना है। फिर इसको यहाँ से करके मैं इसको यहाँ पे इस होल के अंदर बिल्कुल सही से पूरा फिट करना है, इतना छोटा छोटा भी नहीं काटे कि बस ऊपर अटक जाए और यूँ खींचे तो निकल जाए, बिल्कुल पूरा अंदर इसको रखना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये एक ब्लू, पता नहीं कौन सी है, होगी जो भी होगी काम करने से मतलब, इसको मैं यहाँ पे जो है 2 के गैप में रखता हूँ। ये इसकी पॉजिटिव यहाँ पे रख दिया, मैंने नेगेटिव यहाँ पे लगा दिए। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रही पॉजिटिव, ये रही नेगेटिव। अभी मैं यहाँ पे जो है एक
रजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें कि रजिस्टर है 1K ओम। वन के ओम का ये रजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसको जो है इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ। अभी मैं इसकी जो पॉजिटिव है इसके यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है बिल्कुल अंदर की तरफ कवर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव के यहाँ इसको पॉजिटिव एक लेग एक टर्मिनल मैंने जो है आपको बताया था कि ये लेन जो है पूरी कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है LED का पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया और रजिस्टर का एक टर्मिनल भी इसी लेन के ऊपर लगा दिया है और एक रजिस्टर का टर्मिनल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लगा दिया है। अभी मैं यहाँ पे जो है एक वायर ले रहा हूँ, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से छील के बिल्कुल यूँ स्ट्रेट कर दिया है ताकि इसके जो है तार अलग ना हो। अभी मैं इसको यहाँ पे इसकी इस वाली लेन में कनेक्ट कर देता हूँ, इसकी नेगेटिव वाली लेन में, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि LED ग्लो कर रही है क्योंकि हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है। अभी मैं लाइट ऑफ करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल से बिल्कुल सही नज़र आए। अभी जो है आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा, हमारी LED देखें कितनी ग्लो कर रही है, माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा था कि ग्लो ही नहीं करेगी लेकिन कर रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको जो है एक सेकेंड जो है अभी मैं आपको बजर लगा के भी बता देता हूँ। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, रजिस्टर को भी मैंने निकाल दिया है, LED को भी मैंने रिमूव कर दिया। अभी ये बदर का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको अच्छी से दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल याद रखना है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको लगा के यहाँ पे देख लेता हूँ। उसको याद रखें कि सही करें वरना ये सही से जो आपका कनेक्शन नहीं होगा। ये तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैं यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आपको टीट करके आवाज़ आ रही होगी, ये हमारा कनेक्शन हो गया था बिल्कुल परफेक्ट। अभी मैं आपको जो है सेकंड LDR से करके बताता हूँ। LDR से मैं यही LED यूज़ करता हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव जो हमारा है यहाँ पे। अभी जो है मैं इसको ये ऐसे कर लेता हूँ पहले से बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे मैं LDR यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रजिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि LDR भी लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर यानी कि रजिस्टर की वेरिएबल है, यानी वेरिएबल टाइप है रजिस्टर की, तो इसको हम डायरेक्टली लगा लेते हैं। जैसे कि जैसे मैंने रजिस्टर लगाया था बिल्कुल वैसे ही उस हमें इसे भी लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर फिक्स करना है। याद रखें कि इतना भी ना करें कि ये टूट जाए। यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर सॉरी कनेक्शन थोड़े मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ कर दी। नेगेटिव का जो है कनेक्ट कर ले रहा हूँ वायर, ठीक है। अभी जो है हम देख सकते हैं आपके LED हमारी जो है वो ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारी LED ग्लो कर रही है, देख सकते हैं। अभी देखिए ये जो है हमारा रजिस्टर LDR है वो थोड़ा पता नहीं उल्टा काम कर रहा है, सटिया गया इसका दिमाग। देखिए जिससे इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये इसकी LED डीम हो जाती है और जैसे इसके ऊपर रोशनी आती है इसकी LED ग्लो करने लगती है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, ये जो है ये मेरी लाइट लेके नीचे आता हूँ, आप देखें कि किस तरह ये ग्लो कर रही है,
इतनी, जैसे ही इसको मैं हटा देता हूँ, आप देखें कि इसकी ये जो लाइट है ये थोड़ी डिम हो गई है। अभी मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि लाइट थोड़ी डिम हो गई है। अभी मैं इसको बिल्कुल कवर कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है लाइट, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई लूज पट्टी बैटरी के ऊपर उसको चला रहे हो। जैसे ही लाइट आती है ये फिर से ग्लो करने लगती है। गाइस इस वीडियो से जो है आप अच्छी तरीके से इस वीडियो से ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शंस करना सीख गए होंगे और ब्रेडबोर्ड के बारे में भी आपने अच्छा खासा जान लिया है। तो गाइस अगर आपको ये भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल ए.ए इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में ही है, तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़रूर फॉलो करें। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अभी मैं आपको जो है वो कनेक्शंस करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये है ब्रेडबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक प्लस बना हुआ है और एक माइनस पड़ा हुआ है। आपको इतना तो पता ही होगा कि प्लस यानी पॉजिटिव, माइनस यानी कि नेगेटिव। सो ये हमारे पास बैटरी का जो है प्लस है, प्लस माइनस है। तो यहाँ पे इसके होल के अंदर देख सकते, यहाँ आराम सही से इसको सबसे पहले ऐसे कर लें और इसके होल के अंदर जो है बिल्कुल आपको सही से फिट कर देना है। फिर इसको यहाँ से करके मैं इसको यहाँ पे इस होल के अंदर बिल्कुल सही से पूरा फिट करना है। इतना छोटा छोटा भी नहीं काटे कि बस ऊपर अटक जाए और यूँ खींचे तो निकल जाए, बिल्कुल पूरा अंदर उसको रखना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये एक ब्लू, पता नहीं कौन सी है, होगी जो भी होगी काम करने से मतलब। इसको मैं यहाँ पे जो है दो के गैप में रखता हूँ। ये इसकी पॉजिटिव यहाँ पे रख दिया मैंने, नेगेटिव यहाँ पे लगा दिए। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रही पॉजिटिव, ये रही नेगेटिव। अभी मैं यहाँ पे जो है एक रेजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें एक रेजिस्टर है 1K ओम, वन के ओम का ये रजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसको जो है इस तरीके से फोल्ड कर देता हूँ। अभी मैं इसकी जो पॉजिटिव है इसके यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है बिल्कुल अंदर की तरफ कवर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव के यहाँ इसको पॉजिटिव एक लेग एक टर्मिनल मैंने जो है आपको बताया था कि ये लेन जो है पूरी कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है एलईडी का पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया और रजिस्टर का एक टर्मिनल भी इसी लेन के ऊपर लगा दिया है और एक रजिस्टर का टर्मिनल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लगा दिया है। अभी मैं यहाँ पे जो है एक वायर ले रहा हूँ, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से छील के बिल्कुल यूँ स्ट्रेट कर दिया है ताकि इसके जो है तार अलग ना हो। अभी मैं इसको यहाँ पे इसकी इस वाली लेन में कनेक्ट कर देता हूँ, इसकी नेगेटिव वाली लेन में, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि हमारे कनेक्शंस बिल्कुल सही है। अभी मैं लाइट ऑफ करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही नज़र आए। अभी जो है आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा, हमारी एलईडी देखें कितनी ग्लो कर रही है, माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा था कि ग्लो ही नहीं करेगी लेकिन कर रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको जो है एक सेकेंड जो है अभी मैं आपको बजर लगा के भी बता देता हूँ। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, रजिस्टर को भी मैंने निकाल दिया है, एलईडी को भी मैंने रिमूव कर दिया। अभी ये बदर का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपको अच्छी से दिखा देता हूँ।
ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल याद रखना है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको लगा के यहाँ पे देख लेता हूँ। उसको याद रखें कि सही करें, वरना ये सही से जो आपका कनेक्शन नहीं होगा। ये तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैं यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आपको टीट करके आवाज़ आ रही होगी, ये हमारा कनेक्शन हो गया था बिल्कुल परफेक्ट। अभी मैं आपको जो है सेकंड LDR से करके बताता हूँ। LDR से मैं यही LED यूज़ करता हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव जो हमारा है यहाँ पे। अभी जो है मैं इसको ये ऐसे कर लेता हूँ पहले, बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे मैं LDR यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे रजिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LDR भी लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर की वेरिएबल है, यानी वेरिएबल टाइप है रजिस्टर की। तो इसको हम डायरेक्टली लगा लेते हैं, जैसे कि जैसे मैंने रजिस्टर लगाया था बिल्कुल वैसे ही उस हमें इसे भी लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर फिक्स करना है। याद रखें कि इतना भी ना करें कि ये टूट जाए। यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कनेक्शन थोड़े मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ कर दी। यहाँ पे नेगेटिव का जो है कनेक्ट कर ले रहा हूँ वायर, ठीक है। अभी जो है हम देख सकते हैं आपके LED हमारी जो है वो ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारी LED ग्लो कर रही है, देख सकते हैं। अभी देखें ये जो है हमारा रजिस्टर LDR है वो थोड़ा पता नहीं उल्टा काम कर रहा है, सटिया गया इसका दिमाग। देखे जिससे इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये इसकी LED डीम हो जाती है, और जैसे इसके ऊपर रोशनी आती है इसकी LED ग्लो करने लगती है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, ये जो है ये मेरी लाइट लेके नीचे आता हूँ, आप देखें कि किस तरह ये ग्लो कर रही है इतनी। जैसे ही इसको मैं हटा देता हूँ, आप देखें कि इसकी ये जो लाइट है ये थोड़ी डीम होती है, हो गई है। अभी मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि लाइट थोड़ी डीम हो गई है। अभी मैं इसको बिल्कुल कवर कर देता हूँ, देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है लाइट, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई लूज़ पट्टी बैटरी के ऊपर उसको चला रहे हैं। जैसे ही लाइट आती है ये फिर से ग्लो करने लगती है। सो गाइस, आप उम्मीद होगी कि आप जो है इस वीडियो से ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शंस करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। सो गाइस इस वीडियो से जो है आप अच्छी तरीके से इस वीडियो से ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शंस करना सीख गए होंगे, और ब्रेडबोर्ड के बारे में भी आपने अच्छा खासा जान लिया है। सो गाइस, अगर आपको ये भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, कॉमेंट करें, और हमारे चैनल A.A Electronics को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमारा जो इंस्टाग्राम ID है वो भी डिस्क्रिप्शन में ही है, तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़रूर फॉलो करें। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।